ये देन बहुजन समाज पार्टी की है, तो जिसकी वजह से तो दोनों तरफ से जब एनडीए ने सुनकास्ट को खड़ा किया तो दूसरी तरफ से भी सुनकास्ट का कैंडिडेट आया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो वोटिंग हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि सुनकास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और बीएसपी की वजह से एनडीए को, बीजेपी को दलित वर्ग का आदमी राष्ट्रपति पद के लिए उतारना पड़ा और दूसरी तरफ से भी उतारना पड़ा।